दोस्तों, अगर आप मोटर्स एंड मोर को रिसेंटली अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको पता होगा कि मैंने अभी अपनी फैमिली पर्पस के लिए सुजुकी बर्गमैन को खरीदा था और इसको खरीदे हुए यही कोई एक महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है और अब तक इसकी फर्स्ट सर्विस भी हो गई है और इस स्कूटर को मैं 700 किलोमीटर से ज़्यादा चला भी चुका हूँ। मतलब कि एक महीने का टाइम और 700 किलोमीटर से ऊपर का एक्सपीरियंस काफ़ी है जो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ कि मैंने ये सुजुकी बर्गमैन ही क्यों खरीदा था और जिन रीजंस की वजह से मैंने ये सुजुकी बर्गमैन खरीदा था ये उन पर खरा उतर रहा है या फिर नहीं उतर रहा है और क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ मुझे सुजुकी बर्गमैन को खरीदते हुए करना पड़ा है और अब जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से क्यों मैं आपको ये सुजुकी बर्गमैन खरीदने के लिए सजेस्ट करूंगा और क्यों मैं आपको कहूंगा कि भैया आप ये सुजुकी बर्गमैन को छोड़कर के कोई और स्कूटर खरीद लीजिए और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सुजुकी बर्गमैन मुझे ऑन रोड कितने का पड़ गया। और सबसे पहले यही बात कि भैया 125 सीसी के सेकंड में और भी स्कूटर्स आते हैं तो फिर ये सुजुकी बर्गमैन को ही क्यों खरीदा गया। तो दोस्तों देखिए, मेरी कुछ ज़रूरतें थी, जैसे कि मुझे स्कूटर ऐसा चाहिए था जिसके लुक्स भी काफ़ी अच्छे हो, स्कूटर प्रैक्टिकली स्पेशियस काफ़ी अच्छा हो और अगर आप लॉन्ग राइड वगैरह करते हैं तो अच्छे से लेग रूम मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप इन मामलों में ये सुजुकी बर्गमैन को देखते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है। जैसे कि मेरी हाइट 6 फीट की है तो मुझे इस पर प्रॉपर स्पेस मिल रहा है। यहीं पर अगर किसी की हाइट थोड़ी कम भी है, मतलब कि अगर 5 फीट से लेकर के 6 फीट के बीच आपकी हाइट है या फिर 6 फीट से थोड़ी सी भी आपकी हाइट ज्यादा है तो तब भी आपको इस स्कूटर पर अच्छे से प्रॉपर स्पेस मिलेगा। तो मतलब लेग रूम वगैरह के मामले में या फिर सिटिंग पोस्चर या फिर कंफर्ट्स के लेवल के मामले में ये स्कूटर मेरी जरूरतों पर काफी अच्छे से खरा उतर रहा था। और जो मैं आपको लुक्स के मामले में बता रहा हूं, तो दोस्तों अगर आप इसके ये फ्रंट पैनल्स को देखते हैं या फिर इसकी फ्रंट प्रोफाइल को देखते हैं तो जिस तरीके का ये स्कूटर है, मतलब कि एक मैक्सी सेगमेंट का ये स्कूटर है, इस तरह के स्कूटर्स आपको 125 सीसी में ज्यादातर नहीं मिलेंगे। और जिस प्राइस पॉइंट पर ये स्कूटर आता है, इस प्राइस पॉइंट पर आपको ऐसा बड़ा सा दिखने वाला और कोई स्कूटर नहीं मिलने वाला। और बाकी लुक्स वगैरह सब्जेक्टिव है, किसी को ये स्कूटर देखने में काफी अच्छा लगता है और किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और जो तीसरा पॉइंट था इसको खरीदने का वो था इसका 125 सीसी का इंजन, क्योंकि इसका जो ये इंजन है ये काफी रिफाइंड है, परफॉर्मेंस के मामले में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आती है, उसके साथ साथ ये माइलेज भी देता है और बाकी जो परफॉर्मेंस रिलेटेड बात है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बता दूंगा। और अब आती है पॉइंट नंबर 2 की बात की, भैया ठीक है चलिए आपने सुजुकी बर्गमैन तो खरीदा, अब आपने इसका कौन सा वेरियंट खरीदा है और ये आपको ऑन रोड कितने का पड़ गया। तो दोस्तों देखिए, बर्गमैन में आपके 3 वेरियंट आते हैं। पहला इनका बेस वेरिएंट होता है जो कि ये मैंने ही खरीदा, इसमें भी आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है और इसकी एक्चुअलों की मतलब है 90,500 के आसपास थी और 6,500 के आसपास का मेरा इंश्योरेंस बना था। उसके बाद 10,000 रुपये RTO के हो गए, जिसमें कि 9,000 तो RTO को टैक्स लगे, उसके बाद आपके कुछ फाइल चार्जेस वगैरह या फिर जो नंबर प्लेट वगैरह के चार्जेस हैं या फिर जो सर्विस चार्जेस वगैरह वो सब मिला करके 10,000 रुपये उसके हो गए और 1,07,000 रुपये में मुझे ये स्कूटर ऑन रोड पड़ गया था। उसके बाद मैंने उनकी एसेसरीज भी ले ली और एसेसरीज में आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या एसेसरीज के पार्ट थे। तो दोस्तों अगर आप ये मडगार्ड पर देखेंगे तो एक प्रोटेक्शन यहाँ पर लगी हुई है, अगर आप फ्रंट में देखते हैं तो ये जो आपके कुछ स्टील के पाइप्स वगैरह की जो प्रोटेक्शन होती है ये इधर लगी हुई है और एक ये जो आप मैट देख रहे हैं ये भी एसेसरीज का पार्ट है। उसके बाद जो आप ये पीछे देख रहे हैं तो दोस्तों जो पीछे भी ये प्रोटेक्शन लगी हुई है ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं ना सीट कवर, ये भी अलग से लगा हुआ, ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। और ये जो अभी तक आपने एसेसरीज देखी है, जैसे कि सीट कवर हो गया या फिर जो ये पीछे प्रोटेक्शन या फिर जो फ्रंट में प्रोटेक्शन लगी हुई है, ये आपकी आफ्टर मार्केट होती है। इनका ऐसा ही होता है कि आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं और शोरूम वाले भी आफ्टर मार्केट खरीद के रखते हैं। और शोरूम से लगवाने का फायदा ये हो जाता है कि एक तो आपको बाहर अपना स्कूटर खुलवाना नहीं पड़ता, आप जब स्कूटर की डिलीवरी ले रहे होते हैं ये लगा करके ही मिलता है आपको, और दूसरा जब आप खरीद रहे होते हैं तो जब आपका इंश्योरेंस हो रहा होता है तो ये चीजें इंश्योरेंस में इंक्लूड भी हो जाती है। बाकी जेन्युइन एसेसरीज के मामले में ये जो आपका लेडीज फुट टेस्ट है ये ऑफिशियली सुजुकी का है और इसकी कीमत यही कोई 1,100 के आसपास होती है। और जेन्युइन एसेसरीज में जो दूसरा हमने इसका ओरिजिनल कवर खरीदा उसकी भी कीमत यही कोई 500 रुपए के आसपास है, मतलब कि मोटा मोटा 1,600 के आसपास की तो आपकी ऑफिशियल एसेसरीज ही हो गई। लेकिन ये जो एसेसरीज है इनका बिल उन्होंने मुझे यही कोई 4,500 रुपए के आसपास का जोड़ दिया था, जिसमें से मैंने उनको 3,000 रुपए ही दिए और टोटली ये स्कूटर मुझे 1,10,000 रुपए का मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में ऑन रोड पड़ गया है। और अब वो क्या चीज़ें थी जो कि मैंने खरीदते हुए ही ध्यान रखा कि भैया यहाँ पर तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही करना पड़ रहा है। तो दोस्तों पहली चीज़ तो इसका व्हील ही था कि भैया इसके फ्रंट में तो 12 इंच का व्हील है लेकिन इसके रियर में सुजुकी वालों ने 10 इंच का ही पहिया दे रखा, तो ये मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। उसके बाद अगर आप इसके फ्यूल टैंक को देखें तो आजकल सभी स्कूटर्स में ही आपको एक्सटर्नल फ्यूल टैंक मिलने लगा, लेकिन इसमें मुझे सीट के अंदर ही मिल रहा है। और यहाँ पर भी वही बात है कि चलो ठीक है ये भी कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेंगे। और फीचर्स के मामले में जब मैंने इसके स्टीयरिंग कंट्रोल को देखा तो मुझे यहाँ पर कोई भी पास स्विच नहीं मिला कि चलो ठीक है लो बीम हाई बीम से ही कम काम चला लेंगे। उसके बाद जब मैंने इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखा तो ये है तो डिजिटल और इसमें फीचर्स भी काफी सारे दे रखे, लेकिन इसमें आपको कोई भी ट्रिप एफ जैसे फीचर्स नहीं दिए जाते हैं, मतलब कि जब आपका स्कूटर रिजर्व में लगता है आपको ही ध्यान रखना होता है। लेकिन अगर आप आजकल के और स्कूटर्स या फिर मोटरसाइकिल्स को देखते हैं ना कि जैसे ही आपका व्हीकल
रिजर्व में लगा, यहाँ पर ट्रिप ऐप चालू हो जाती है और वो आपको बताता रहता है कि भैया आप रिजर्व में इतने किलोमीटर चल चुके हैं। तो वो मुझे यहाँ ये सुजुकी बर्गमैन के साथ ये फीचर नहीं मिला है, ये मुझे एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। और एक बिल्ड क्वालिटी के मामले में मुझे पहले ही ध्यान रखना पड़ा है कि भैया हाँ मैं जो स्कूटर खरीदता हूँ ये पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, इसका बस जो मडगार्ड है वो तो मेटल का है, बाकी जितने भी पैनल्स है वो सारे के सारे प्लास्टिक के, और यहाँ पर मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें थी जो कि मैंने खरीदने से पहले ही ध्यान में रखी कि यहाँ पर मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है और इन मामलों में मुझे मार्केट में इससे बेहतर स्कूटर मिल सकता है। और अब मैं करता हूँ इसका रिव्यू कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो सबसे पहले डिजाइन और लुक्स के मामले में ही बात करें तो दोस्तों देखिए, देखने के मामले में स्कूटर आगे से काफी बल्की सा लगता है और काफी अच्छे से डिजाइन कर रखा है, लेकिन जब आप इसकी ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज के मामले में बात करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि पीछे से भी ये थोड़ा सा और बल्की हो सकता था। और जो मैं आपको बता रहा था कि इसका जो मडगार्ड है ये आपको मेटल का दे रखा है, लेकिन जो इसकी मेटल की शीट है वो काफी हल्की दे रखी है, आराम से जल्दी से मुड़ सकता है। वहीं पर अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी के मामले में बात करते हैं, मतलब इसकी जो प्लास्टिक पैनल्स है इनकी बिल्ड क्वालिटी के मामले में बात करते हैं, तो जो फ्रंट पैनल्स है यहाँ पर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी, फिट एंड फिनिश के मामले में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप साइड में आते हैं और आप ये वाले पैनल्स देखते हैं तो यहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर फिनिशिंग भी और बेहतर हो सकती थी, और ये जो आपके ग्लॉसी पैनल्स है इन पर बहुत जल्दी स्क्रैचेस आते हैं और इनकी क्वालिटी और बेहतर हो सकती थी। व्हील सस्पेंशन टायर्स और ब्रेक्स के मामले में इसके जो रियर में 12 इंच का व्हील नहीं दिया जाता वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। उसके अलावा दोस्तों अगर आप फ्रंट व्हील के मामले में बात करेंगे वहां पर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, फ्रंट ब्रेक्स भी काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं और जो फ्रंट सस्पेंशन है इनकी ट्यूनिंग भी मुझे अच्छी लगी, काफी कंफर्टेबल ये सस्पेंशन है। लेकिन रियर के मामले में इसमें आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं दिए जाते, मतलब कि जहां पर कंपनी ने आपको इसके सस्पेंशन को ट्यून करके दे दिया आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस में खराब रास्तों के मामले में इसके जो सस्पेंशन है वो मुझे थोड़े से स्टिफ लगे हैं और ज्यादा मुझे कंफर्टेबल ये स्कूटर खराब रास्तों के मामले में नहीं लगा है। और ब्रेक्स के मामले में फ्रंट की तरह इसके रियर ब्रेक के मामले में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। फीचर्स और कंट्रोल्स के मामले में जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें पास स्विच तो नहीं दिया जाता है, बाकी अगर आप इनके कंट्रोल्स की क्वालिटी के मामले में बात करते हैं तो इसकी क्वालिटी ठीक है, हॉर्न के बटन की भी ठीक है और जो किल स्विच है इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ पर ये मुझे अच्छा लगा कि स्कूटर में आपको किल स्विच दिया जाता है, ये आपके लिए काफी प्रैक्टिकल होता है। और ये जितने भी बटन है इनकी क्वालिटी तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन ये जो इंडिकेटर वाला बटन है इसका फीडबैक मुझे अच्छा नहीं लगा और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी मुझे अच्छी नहीं लगी। और यहाँ पर मुझे लगा कि इसका रेस्पॉन्स और इसकी क्वालिटी और बेहतर हो सकती थी। वहीं पर अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में बात करूं तो यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं लगी। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये दिन में भी अच्छे से विजिबल है और ये रात में भी अच्छे से विजिबल है। और इन्फॉर्मेशन के मामले में भी इसमें आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, स्पीडोमीटर भी ठीक ठाक साइज का है, काफी बड़े साइज का फ्यूल गेज है और ट्रिप्स के मामले में ट्रिप ए और ट्रिप बी दो ट्रिप मीटर्स भी दे रखे हैं, डिजिटल क्लॉक भी दे रखी है। लेकिन जो इसमें ट्रिप एफ नहीं दी जाती वहां पर मुझे लगा कि इसमें ट्रिप एफ भी होनी चाहिए थी। और लाइट्स के मामले में इसकी जो रियर लाइट है वो भी आपको एलईडी वाली दी जाती है। वहीं पर दोस्तों अगर आप इसके इंडिकेटर्स वगैरह को देखते हैं तो ये सारे के सारे आपको हैलोजन बल्ब वाले दे रखे हैं। और यहाँ पर चलो मैं ज्यादा शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि आप इस सेगमेंट के जो भी स्कूटर्स देखें उन सभी में आपको ऐसे ही दिए जाते हैं। और जो फ्रंट हेडलैम्प है ये भी पूरा का पूरा एलईडी सेटअप में दे रखा है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात बहुत बेकार लगी और ये सुजुकी बर्गमैन में ही नहीं है, काफी और भी मैंने व्हीकल्स देखे जहाँ पर मतलब कि इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स डिजाइन कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं, वो ऐसी गलतियां कैसे कर देते हैं। यहाँ पर आप ये देखो, इन्होंने ऊपर DRLs दिए और मुझे ये DRLs बिल्कुल भी काम के नहीं लगे क्योंकि फिलहाल स्कूटर स्टार्ट नहीं है, इसका बस इग्निशन ही ऑन था और फिलहाल मैंने ऑफ कर दिया। अभी मैं इग्निशन ऑन करता हूँ तो दोस्तों ये DRLs भी ग्लो कर रहे हैं, नीचे जो आपका हेडलैम्प है ये भी ग्लो कर रहा है। अब जब आपका हेडलैम्प ग्लो कर रहा है तो फिर ये DRLs किस काम के, क्योंकि ये DRLs जब भी तो देखने में अच्छे लगेंगे और जब भी तो इनका काम होगा ना जब आपका हेडलैम्प नहीं ग्लो कर रहा होगा। और यहाँ पर अगर किसी भी व्हीकल में DRLs दिए जा रहे हैं तो फिर जो आपका हेडलैम्प है उसका ग्लो करने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो आपका मैनुअली होना चाहिए कि जब आपको जरूरत पड़े तभी आप अपने हेडलैम्प को ऑन करें, बाकी जो डे टाइम के टाइम पर है या फिर आपके इग्निशन या फिर स्टार्ट होने के बाद आपके DRLs ग्लो कर ही जाते हैं। और ये DRLs वाला तो मैंने आपको बता दिया, बाकी अगर आप इसकी लाइट्स की परफॉर्मेंस के मामले में बात करते हैं तो वहां पर मुझे कोई भी शिकायत नहीं लगी। लो बीम और हाई बीम दोनों की ही जो लाइट की थ्रो है वो काफी अच्छी पड़ती है और मैंने इस स्कूटर को नाइट के टाइम पर भी काफी चलाया, मुझे अभी तक तो इसकी लाइट को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं लगी है। सीट और स्पेस के मामले में इसके स्पेस को देख करके तो स्कूटर खरीदा गया था तो इन मामलों में तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। इसकी सीट पर भी प्रॉपर अच्छे से स्पेस होता है, दो लोग इस पर कंफर्टेबली आराम से बैठ करके लॉन्ग राइड्स भी कर सकते हैं और आगे अच्छा खासा लेग रूम भी है। और इसका जो ये बूट है इसके अंदर आपका फुल फेस हेलमेट भी आराम से आ जाता है। और इंजन के मामले में अगर मैं इसके टेक्निकल पावर फिगर्स या फिर ऑन पेपर पावर फिगर्स के ऊपर जाऊं तो वहां पर कोई फायदा नहीं है। और जो पावर फिगर्स है वो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं और बता बता करके थक भी चुका हूं, वो आप अपने डिस्प्ले पर ही देख लेना कि कितनी पावर निकल रहा है। मैं आपसे बात करता हूं कि प्रैक्टिकली ये इंजन कैसा परफॉर्म करता है। तो दोस्तों आप इनिशियल RPMs पर बात करें या फिर आप हाई RPM पर बात करें, इंजन काफी स्मूथ चलता है और एक्सीलरेशन के मामले में आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। ये स्कूटर 70-80 की स्पीड काफी आराम से पकड़ लेता है और देखिए परफॉर्मेंस और इंजन के मामले में तो मैं यही कहूंगा कि मुझे इसमें कोई भी शिकायत नहीं लगी। और हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के मामले में अगर आप किसी नॉर्मल स्कूटर से पहली बार एक मैक्सी स्कूटर पर स्विच करते हैं तो आप ये
बर्गमैन क्या है, इससे ऊपर आप कोई भी स्कूटर पर जाओ तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा हैवी स्कूटर ले रहे हैं और आपको थोड़ा सा यूज टू होने में एक दो दिन का टाइम लग सकता है। इसके अलावा इसकी हैंडलिंग से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली और स्टेबिलिटी के मामले में देखिए 70-80 तक तो स्कूटर काफी स्टेबल रहता है, लेकिन अगर आप इससे ऊपर लेकर के जाते हैं और आपको कहीं पर इमरजेंसी ब्रेक करना पड़ेगा तो वहां पर आप थोड़ी बहुत ट्रैक्शन खो सकते हैं। अब बात करते हैं कि भैया ठीक है स्कूटर तो आपने सारा का सारा बता दिया और जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो भी बता दिया, अब किन लोगों को ये बर्गमैन खरीदना चाहिए और किन लोगों को इग्नोर करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए फिर बात वहीं आ जाती है, जिनको अच्छे लुक्स चाहिए, अच्छा कंफर्ट चाहिए, स्पेस चाहिए और हाईवे पर चलाना है या फिर शहर की अच्छी सड़कों पर चलाना है, तब तो आप इस स्कूटर पर अपने पैसे आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फीचर्स वगैरह भी आपको इस स्कूटर में अच्छे मिल जाते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, अच्छा माइलेज स्कूटर देता है और इंजन के मामले में कोई भी शिकायत आपको नहीं आएगी। लेकिन उसके अलावा अगर आप अच्छी खासी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के मामले में अपना स्कूटर देख रहे हैं या फिर आपको खराब रास्तों पर स्कूटर चलाना है या फिर आप अपने स्कूटर को थोड़ा हैवी ड्यूटी पर्पज के हिसाब से इस्तेमाल करने की सोचते या फिर आप अपने स्कूटर को थोड़ा बहुत अब्यूज करने वाले और आप इस स्कूटर पर ज्यादा लोड देते हैं या फिर आप इसको कुछ ज्यादा रगड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जैसे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो आपका ज्यादा कुछ साथ देने वाली है या फिर सस्पेंशन वगैरह के मामले में ये स्कूटर ज्यादा दिन तक आपका साथ देने वाला है। और बस अब ये सुजुकी बर्गमैन के बारे में काफी सारी बातें हो गई है और जो भी मुझे बातें आपसे करनी थी वो सारी की सारी मैंने कर ली। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है ये सुजुकी बर्गमैन को लेकर के, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप कमेंट में नहीं बताना चाह रहे तो फिर जो मेरे इंस्टाग्राम वगैरह के हैंडल है उनकी लिंक भी मैंने आपको नीचे दे रखी है, आप मुझे वहां पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मेरी कोशिश यही कि जल्द से जल्द मैं आपकी कमेंट या फिर आपके मैसेजेस पर रिप्लाई दे दूं। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में।